रिवा आज मैं खाऊंगा पोटै 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 पोटैटो। मैं मैक्रो दीदी। कैसी हैं आप? आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। तुम अपनी मॉम की हेल्प कर रहे हो ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, बच्चों को तो मॉम डैड की हेल्प करनी ही चाहिए। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये कुछ बीज है, ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ये तो गाजर है। अब तुम इन्हें अपने घर में उगाना। हाँ बिल्कुल उगाऊंगा, पर उगाते कैसे हैं? तुम्हें बस इन बीजों को मिट्टी में बोना है, फिर उनमें पानी देना है और फिर अपने आप पौधा उग जाएगा। मैं समझ गया दीदी, मैं आज से ही ये मिशन शुरू कर देता हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। आपसे बाद में मिलूंगा दीदी। ये तुम्हें किसने दी है शिनचैन? मुझे ये ननाको दीदी ने दिए। मॉम मैं इन्हें उगाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम को कर पाओगे शिनचैन। मैं बिल्कुल कर पाऊंगा मॉम, आपका बेटा बहुत ही ज्यादा समझदार है। तुम कुछ भी कह लो, मुझे पता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। एक आइडिया, मुझे शिनचैन को एक मौका देना ही चाहिए। हो सकता है ये बाद में और भी सब्जियाँ उगाने में मदद करे। हाँ ये आइडिया बिल्कुल ठीक रहेगा, ऐसे ही करती हूँ। ठीक है शिनचैन, तुम इसे कर सकते हो, पर वादा करो कि तुम इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करोगे। मैं वादा करता हूँ माँ, और सबसे पहले मैं ये गाजर ननाको दीदी को दूंगा। हाँ तुम ऐसा करोगे तो ननाको बहुत खुश होगी। ननाको दीदी तो खुश होंगी, पर उनसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ज्यादा बातें मत करो, काम पर लग जाओ। हाँ ये तो तुमने अच्छी तरह से कर लिया, अब इसे इस तरीके से करना है। चलो अब इसमें बीज डाल दो। अरे एक बार में इतने सारे मत निकालो। ओ कोई बात नहीं बेटा, माफ कीजिएगा मॉम, मैं चीख रोक ही नहीं पाया। चलो अब इसमें बीज डालो। अरे सारे बीज एक साथ मत डालो, थोड़े थोड़े करके फैला दो। हाँ अब ठीक है। अब मिट्टी से इन बीजों को इस तरह ढक दो, ठीक है ना? ऐसे ढक दो। बहुत बढ़िया शिनचैन, तुम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, देखना इसमें बहुत अच्छी गाजर निकलेंगी। जल्दी से बड़ी हो जाना मेरी प्यारी प्यारी गाजर। कभी कभी ये कितनी प्यारी बातें करता है। ताकि मैं तुम्हें ननाको दीदी के हवाले कर सकूं। चलो चलो अब इसमें थोड़ा पानी डालो, थोड़ा सा थोड़ा सा बस। और अब कुछ दिनों के बाद इसमें से गाजर निकलनी शुरू हो जाएंगी। ओ, मैं इंतजार करूंगा। सुनो शीरो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन गाजरों का ध्यान रखना, अगर कोई अजीब सा आदमी ये गाजर चुराने की कोशिश करे तो उसे एक्शन किक दे देना। मुझे पता था ये इसका ध्यान नहीं रखने वाला है। न जाने कब उगेंगी ये। ननाको दीदी मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ, मैंने बहुत मेहनत से उगाई है ये। अरे वाह तुम ये मेरे लिए लाए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिनचैन। अरे अब मैं इतना भी खास नहीं। शिनचैन सपने देखना बंद करो, इसे उगाना इतना आसान नहीं है। और कुछ दिनों बाद देखते हैं क्या होता है। हो गया शिनचैन, शीरो को वॉक पर ले जाओ ना। मॉम वो अपने आप चला जाएगा। बहाने मत बनाओ, जल्दी जाओ। हमेशा मुझे ही जाना पड़ता है। मॉम मॉम जल्दी यहाँ पर आइए, ये देखिए क्या हुआ। क्या हुआ शिनचैन? लगता है ये उठ रही है। तुम कहना चाहते हो उग रही है? हाँ मॉम ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए ये उग रही है। देखो अब तुम्हें इसका और ज्यादा ध्यान रखना है, ख्याल रहे कि ये सूख ना जाए। हाँ ठीक है, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लो। अरे रुक जाओ शिनचैन। क्या हुआ? इसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पानी देना है। पर ऐसा क्यों? अगर तुम इसमें कोल्ड ड्रिंक डालोगे तो ये पौधे खराब हो जाएंगे, इसमें सिर्फ पानी डालो। ये लो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पानी लेकर आया हूँ। और कुछ दिनों बाद शिनचैन तुम्हें इनकी थोड़ी सफाई भी करनी है। ए, स-
सफाई की करनी पड़ती है माँ। बेटा, इसमें जो खराब पत्ते होते हैं उन्हें हमें हटा देना चाहिए। इससे पौधे जल्दी बढ़ते हैं और अच्छी तरह बढ़ते हैं। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसकी सफाई किस तरह की जाती है। माँ, आप इसके सारे पत्ते निकाल रही हैं, ये खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, सफाई करने से बल्कि अच्छी गाजर आएंगी। चलो अब इसमें पानी दो। ये क्या किया? बेटा, तुम्हारी छोटी बहन है, गलती हो गई, माफ कर दो इसे। सारे पौधे निकाल दिए, अब इसमें गाजरें कैसी उगेंगी माम? कुछ दिनों बाद चली गई। और कुछ दिनों बाद उफ, कितना भारी है। अरे वाह, लगता है इसमें गाजर निकलने लगी है। शिनचैन, जल्दी इधर आओ बेटा। ये बहुत अच्छी लग रही है ना माम? अब ये गाजर उगने लगी है, जल्दी हम इसे सैलेड में इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं माम, सबसे पहले मैं ये नन्हा को दीदी को दूंगा। वो इस गाजर को देखकर कितनी खुश होगी। अब बस ये करो। देखो माम, मैंने आपको कहा था ना मैं ये कर पाऊंगा। मैंने दिन रात मेहनत करके आखिर ये काम कर ही दिया। अब मैं इसे ले जाता हूँ और अच्छी तरह साफ कर देता हूँ। अरे अरे, उसे थोड़ा बड़ा तो हो जाने देता। अरे ये शिनचैन भी ना, आधी उगी हुई गाजर ही निकाल कर ले गया। अरे गिफ्ट पेपर कहाँ है, कहाँ रख दिया मैंने? अरे वाह, अरे शिनचैन बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो तुम्हारी है, माफ कर दो। डैड, मॉम भी तो यही कहती है ना कि बिना पूछे कुछ नहीं खाना चाहिए, फिर आपने क्यों खाया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई चोकोपाई ले आऊंगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से इसे उगाया था और आपने मेरी सारी मेहनत खा ली। अब मैं नन्हा को दीदी को क्या दूंगा?